हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, टाटा से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जो कि टाटा के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं उस खबर को। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है बिस्लेरी। यस दोस्तों, बिस्लेरी ये कंपनी पानी की बॉटल वाली कंपनी आपको पता ही है। इसका मार्केट शेयर हम लोग को नंबर वन देखने को मिल जाता है पैक वाटर बॉटल की अगर हम लोग बात करें। एंड उसमें अगर आप सभी लोगों को पता है जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी मतलब रमेश चौहान जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया था कि वो इस कंपनी को बेचना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है राइट वो क्या करना चाहती है कि इस कंपनी को रन नहीं करना चाहती, उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है करके। सो इसीलिए ये न्यूज़ सामने आई थी। आप सभी लोगों को पता है कि टाटा ग्रुप के साथ उनकी बातचीत चल रही है एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं एस्टिमेशन कितना लगाया गया था, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। यस, आप देख सकते हो 7,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था टाटा ग्रुप के साथ इनकी बातचीत चल रही करके कि चौहान जी अपने ब्रांड को क्या करेंगे, सेल करेंगे करके। सो बहुत सारे प्लस माइनस वाली खबरें यहाँ पे आती थी बट फाइनली दोस्तों अभी न्यूज़ सामने आ चुकी है जो कि चौहान जी ने ही सामने रखी है। ऑफिशियल खबर है कि उनकी बेटी ही अभी इस कंपनी को यहाँ पे रन करने वाली है एंड वो कोई भी अपना बिजनेस को यहाँ पे बेचने वाले नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अगर न्यूज़ सच साबित हो जाती, मतलब अगर ये बिस्लेरी कंपनी अगर टाटा ग्रुप को मिल जाती, टाटा ग्रुप को मिलना मतलब कौन सी कंपनी को, टाटा कंज्यूमर, इस कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता। मतलब देखिए, एक बड़ा ब्रांड मिलने ही वाला है। पैक वाटर बॉटल की अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली नंबर वन पोजीशन पर चली जाती टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें। इनके भी हम लोग को अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं बट एक लीडर मिल जाता, मार्केट लीडर। एंड प्लस उसी के साथ साथ एक सीनर्जी वाला बिजनेस भी इनका क्रिएट हो जाता। सीनर्जी वाला बिजनेस मतलब देखिए, टाटा ग्रुप का आपको पता ही है कि इनके मल्टीपल बिजनेस है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें होटल इंडस्ट्री, तो इंडियन होटल भी आप लोगों को पता है, ताज होटल भी आप लोगों को पता है, वो सारे टाटा के अंडर आते हैं। सो ताज होटल में भी अगर आप कभी गए होंगे तो आप लोगों ने चेक किया होगा, वहाँ पे सिर्फ आपको टाटा से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे राइट। टाटा कॉफी की बात करें, सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें वो टाटा से रिलेटेड ही रहेंगे। सो अगर बिस्लेरी की डील अगर इनकी हो जाती तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन होटल में हम लोग को सारी जगह पे बिस्लेरी की बॉटलें देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। मतलब बिजनेस बहुत ही कमाल का बन जाता। इसका अर्थ नहीं कि नहीं हुआ, मतलब ये कंपनी कल से यहाँ पे 7 रुपए की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिगनर सोचते हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बट हम कह सकते हैं अगर ये सच साबित हो जाता ना तो टाटा कंज्यूमर को बहुत अच्छा फायदा मिलता। खैर ठीक है, अभी हम कह सकते हैं कि बिजनेस डील ऐसे ही होते हैं। अभी वो नहीं बेचना चाहते, उनकी बेटी उस कंपनी को संभालना चाहती है, फैमिली बिजनेस हम जरूर कह सकते हैं। तो अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है उनके हिसाब से। सो टाटा ग्रुप की बात करें तो इसके चलते वो थोड़े से ज़रूर यहाँ पे नाराज रहेंगे क्योंकि अच्छी डील यहाँ पे उनको मिल सकती थी। तो टाटा कंज्यूमर हम कह सकते हैं इस स्टॉक को बहुत अच्छा फायदा मिलता था, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, टाटा कंज्यूमर एकदम कमाल की कंपनी, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये निफ्टी 50 की भी कंपनी है। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि लेटेस्ट ज्वाइन हुआ था ना, तो इतना याद नहीं रहता हम लोग को कि टाटा कंज्यूमर भी निफ्टी 50 का पार्ट बना है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बता देना कि टाटा कंज्यूमर निफ्टी 50 में एंटर किया राइट, तो किसको रिप्लेस करके किया। तो जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी सही सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक और खबर हम लोग को टाटा कंज्यूमर से रिलेटेड देखने को मिल रही है। तो इनके बारे में आप जानते होंगे, नहीं पता तो आपको जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में हो, बिजनेस वर्ल्ड में हो, तो आपको कंपनी के CEO, मैनेजमेंट, कुछ पॉपुलर व्यक्ति राइट, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए राइट। तो इनके बारे में जरूर यहाँ पे पढ़ना, मिस्टर लक्ष्मण जी बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर हम लोग को ये व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं मैनेजमेंट में। जिस भी कंपनी के अभी तक ये आए हैं उन्होंने इस कंपनी को बहुत अच्छा फायदा दिया है। सो अभी हम लोग को ये स्टारबक्स में फिलहाल तो हम लोग को इससे रिलेटेड परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब ये CEO तो बनने वाले थे बट जो उनका टाइम था उसके पहले हम लोग को ये कंट्रोल लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब स्टारबक्स की बात करें तो डेफिनेटली स्टारबक्स जैसा ब्रांड भी हम लोग को किसके अंडर देखने को मिल जाता है, टाटा कंज्यूमर के ही अंडर देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली मैनेजमेंट में ये जो बदलाव वाली खबरें देखने को मिलती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो बहुत सारे लोग पूछते भी, सर ये क्लाइंट्स, कंपनी के ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स हमें कहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली कहाँ पे मिलेंगे आप बताओ, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और किधर नहीं मिलेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे ही सब कुछ आप लोगों को कंपनी से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें वो वहीं से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग टाटा कंज्यूमर की ही बात करें ठीक है, तो चलिए इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेते हैं। देखिए हम लोग इनके वेबसाइट के ऊपर आ चुके तो कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है पढ़ सकते हो। तो देखिए कंपनी के ब्रांड्स देखिए, मतलब क्या क्या मिलेगा आपको, टी मिलेगा, फूड से रिलेटेड मिलेगा, कॉफ़ी से रिलेटेड मिलेगा राइट, बहुत सारी। देन अगर हम लोग लिक्विड बेवरेजेस की बात करें, आउट ऑफ होम की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए टाटा संपन्न है,
टाटा नमक जो आप खाते हो ना, टाटा सॉल्ट, ये भी टाटा कंज्यूमर के अंडर ही आता है। देन आप चेक कर सकते हैं 8 o'clock की अगर हम लोग बात करें, देन टाटा कॉफ़ी ग्रैंड की अगर हम लोग बात करें, राइट, ये सभी इन्हीं के अंदर है। आप लोगों को पता है ना टाटा कॉफ़ी भी टाटा कंज्यूमर के अंडर ही मर्ज हो चुका है, राइट। देन अगर हम लोग हिमालयन की बात करें, टाटा कॉपर की बात, ये सारे के सारे, देखिए स्टारबक्स की अगर हम लोग बात करें, ये इसी के हम लोग को जितने भी ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, टाटा टी से लेकर हर चीज़ हम लोग को इसी के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन टेटली की अगर हम लोग बात करें, राइट, ये जो विदेश की कंपनी थी इसको भी टाटा ग्रुप ने यहाँ पे खरीद लिया, ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये कहाँ पे चीज़ें मिलती है, ऑब्वियसली इनके वेबसाइट के ऊपर जाके रीड कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए टाटा ग्लूको की बात करें, ये सभी के सभी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर आप चाहो तो इनको वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब इन चीज़ों को पढ़कर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करते ही रहूँगा तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टारबक्स का नाम बार बार सामने आ रहा है, बट कोई बात नहीं। सो बताने का मकसद क्या है कि टाटा कंज्यूमर ये कंपनी है बहुत ही फैंटास्टिक, राइट। 5 साल का डेटा भी अगर हम लोग चेक करें तो लगभग 150% से ज़्यादा के रिटर्न्स है, राइट। देखिए पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग फ्यूचर की वायबिलिटी डेफिनेटली हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक नॉर्मल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, जज करें, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो थोड़ी बड़े साइज की कंपनी है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। निफ्टी 50 वाली कंपनी, मार्केट कैप देख लेना, लगभग 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो फूड एंड बेवरेजेस, अभी तो हम लोगों ने ब्रांड्स तो यहाँ पे देख ही लिए हैं, एंड इतना ही नहीं कि सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोगों को कहाँ कहाँ पे जियोग्राफिकली प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। कैनेडा में है, यूके में है, नॉर्थ अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, इन सब में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो जिस सेक्टर में काम करती है कंपनी, मतलब प्लांटेशन एंड उसी के साथ साथ टी कॉफी इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें हम लोग को नंबर 1 पे देखने को मिल रही है। तो ये देखिए टाटा कॉफी है, वो इसी के अंडर हम लोग को मर्ज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली ये नंबर 1 है, देन मर्जिंग के बाद भी हम लोग कह सकते हैं नंबर 1 पे ही कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ओवरऑल अगर हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 300 करोड़ से लेकर 400 से 500, ऐसा करते करते कंपनी आप आगे देख सकते हो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाकर 4 डिजिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी फिलहाल का रिसेंटली कंपनी 1200-1300 नेट प्रॉफिट की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग ईपीएस की बात करें, जो कि सिंगल डिजिट ईपीएस था, जो कि अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके डबल डिजिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी टाटा ग्रुप की कंपनी है, सो ऑब्वियसली प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड आपको कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि टाटा ग्रुप कभी भी अपनी कंपनी किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं देते हैं। सो प्रमोटर 34% है, FIS 25% है, DIS 15% है, गवर्नमेंट ना के बराबर, एंड पब्लिक 24% है। सो सब कुछ अगर हम लोग बात करें तो वेल डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ वेल डिसेंट हम कह सकते हैं बिजनेस भी देखने को मिल जाता है। एंड बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, पहले तो मतलब बहुत ही छोटे रिजर्व्स थे, 4000 करोड़ के रिजर्व्स, अभी ट्रिपल होकर लगभग 12000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स बन चुके हैं। कर्जे की बात करें तो 0, लॉन्ग टर्म बोरिंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरिंग, प्योर डेफ फ्री कंपनी, PDF भी आप चाहो तो बोल सकते हो, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 1328 करोड़ का कैश भी है। सो फुल 5-स्टार बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स अलॉन्ग विद द मतलब कोई भी कर्जा नहीं, प्योर डेफ फ्री, कोई मतलब कोई भी कर्जा यहाँ पे नहीं है, जो कि इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड कैश भी कंपनी के पास अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट के साथ साथ सारे पैरामीटर्स को रीड कर सकते हो। इतना हम लोग कह सकते हैं कि बिस्लेरी के साथ अगर इनकी डील हो जाती तो बहुत ही मज़ा आ जाता। मतलब मैं पर्सनली एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा हुआ था कि समहाउ टाटा ये डील को मतलब कंप्लीट कर लेंगे, वैल्यूएशन चाहे इधर उधर हो जाए करके, चाहे तो महंगा वैल्यूएशन भी दे दे करके, क्योंकि अगर ये मिल जाता कंपनी तो उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हो जाता था, खास करके उनके होटल इंडस्ट्री भी है, अलग अलग चीज़ें भी है। पर ठीक है, अभी वो नहीं बेचना चाहते कंपनी, उनकी बेटी कंपनी को रन करना चाहती है। सो वही खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बैड न्यूज़ तो ज़रूर है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि क्रैश हो जाएगा, लोअर सर्किट लगेंगे, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये फैक्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैनेजमेंट लेवल की भी जो न्यूज़ थी वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है।